मेरे सीरियल आने वाला है, कुंडली भाग है। सीरियल वीरियल ना लगा भी है। लगा देना भाई, देख 9:30 बजे हट जाएगी। तो सुबह से उठाया तो अपने बिस्तर भी नहीं उठाए हैं, ऐसे कौन करता है। जय श्री श्याम, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि ठंड ज़्यादा होने लग रही है अब। और आप अपना ख्याल रखिए, कपड़े सुखाने पड़ रहे हैं, कोई से भी बच्चे नहीं है घर में, और आज अमर में दर्द होगा पक्का, क्योंकि दोनों भाई एक जना सुखा का एक जना उतार के ला है। आज तो परेशानी हो रही है, क्योंकि अब कपड़े भी सुखाने जरूरी है भाई। बड़े प्यारे प्यारे, कल सारी छत साफ करके गई थी मैं, सारे पेड़ पौधे साफ करके गई थी, गले सले पत्ते निकाले, साफ सफाई करी, छत धोई थी कल। देखो तुलसा को ठंड ना लगे इसलिए तुलसा को चुन्नी उड़ा रखी है। ये मेरे देखो फ्लावर, चूल्हे पर रोटी बनाऊंगी एक आध दिन में, इसलिए मैंने छत साफ कर दी। ये देखो अनार का पेड़ है, और मैंने इसमें से जाला निकलवाया था, कहते हैं कि जाला हो जाता है पेड़ों के नीचे, और वो जाला निकलवाने से इसमें फल आ जाते हैं। इसमें कम से कम 50-60 फूल आए थे, और मोटे मोटे आए, पहले भी ऐसे ही जड़ते थे, और अब मैंने जाला निकलवा दिया तब भी ऐसे ही जड़ रहे हैं। ये देखो ये डोडी आ जाती है, और ये फूल खिल जाएंगे और फिर जड़ जाएंगे, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। कमेंट में लिख के बताइएगा कि मेरे अनार के पेड़ में क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपने भी पेड़ लगा रखे होंगे तो आपको भी पता होगा, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है। मेरे से जैसा पेड़ वाले ने बोला था कि इसमें से जाला निकाल दो, तो मैंने जाला निकलवा दिया, कि बोला कि बाद में इसमें बहुत फल आएंगे। इसमें फूल तो आए थे बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें अनार नहीं लगे। पहले से ज़्यादा फ्लावर आए, लेकिन अनार नहीं लग रहे इसमें, पता नहीं क्या परेशानी हो रही है। तो दोस्तों कमेंट में लिख के बताना कि क्या परेशानी है अनार के पेड़ में, जो फूल फल नहीं आते। ठीक है, ओके। चल दोस्तों अब नीचे चल के देखते हैं कि चुन्नू ने कमरे का क्या हाल मचा रखा है। दोस्तों सुबह से उठाया तो अपने बिस्तर भी नहीं उठाए हैं, ऐसे कौन करता है। हम सब भी तो उठते हैं, अपने बिस्तर तुरंत उठते ही तय करते हैं, और करने भी चाहिए। ये तो दलदर है, ऐसे ही गंदगी खिंडाए रखता है। ये देखो सब कुछ ऐसे ही पड़ा है, इसको सफाई में रहना पसंद नहीं है, इसलिए ऐसे करके रखा। ये अरसी भी अपने कपड़े तय करके नहीं गया, देखो मानते ही नहीं है बच्चे। थोड़ा बहुत तो करना चाहिए ना अपने आप। यहाँ पढ़ता है बैठ के, अपना उम्र करता है, तो सब चीज़ यहीं छोड़ दी, कॉपी पेन बैग सब चीज़ ऐसे ही पड़ी है। ये देखिए बिस्किट फुल्ले, कूड़ा भी ऐसे डाल रखा है। चुन्नू को तो बहुत आवाज़ मारनी पड़ती है, चाय चाय चाय। अच्छा चलिए दोस्तों, आज एक बात बताती हूँ आपको। आज अर्शू अर्श के पापा खाटू जी गए, और मैं और चुन्नू अकेले हैं, तो हमने सोचा कि क्या खाएं क्या बनाएं। अकेले के लिए यही समस्या होती है, क्योंकि मैं और चुन्नू राजस्थान गए, मूसी गए, तो इन दोनों को परेशानी होती थी, और आज हम हैं तो हमें परेशानी हो रही कि हम क्या बनाएं क्या खाएं। अब ये जूस पी आया और खाना बनाया नहीं है, अब गैर टाइम जूस पीता है तो फिर खाना कैसे खाएगा। तो इसलिए मैंने दोस्तों कुछ भी नहीं बनाया, मैंने दूध पी लिया, एक मग्गा दूध। ये देखिए एक मग्गा दूध पिया है मैंने, और घर में कोई दूध नहीं पीता मेरे अलावा, सबको भोकती रहती हूँ दूध पी लो दूध पी लो, लेकिन कोई नहीं लेता, कोई सुनाई नहीं देता। और वैसे लस्सी वगैरह पी लेते हैं, मैं दही जमा देती हूँ तो लस्सी पी लेते हैं। अब चलिए देखते हैं कल आगे बताते हैं कैसे क्या दर्शन हुए बाबा के। बाबा हमें तो पता नहीं कब बुलाएंगे, मैंने सोचा चलो तुम हो जाओ, आज 11 है, हम फिर कभी चलेंगे। क्या है जूस?
रोटी तो खाई नहीं, जूस जूस में सारी रात निकल जाएगी, सारी रात निकालनी क्या। अब तो जल्दी सो जाता है क्योंकि नेट बंद हो रखा है, नेट डलवा नहीं रखा, फोन चलाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। और चलो अच्छा है, जल्दी सो जाते हैं सब। आरसी के में भी नहीं है, मेरे में भी नहीं है, और चुन्नू के में भी नहीं है। मेरा सीरियल आने वाला है, कुंडली वाग है। सीरियल वीरियल ना लगा अभी, लगा देना भाई। देख 9:30 बजे हट जाएगी पहले, मैं जाऊं फिर। तू अब टीवी देख रहा है अपना, मैं भी तो तेरा देख रही हूँ भाई, तू पिक्चर लगा रहा है। मत देखो तो मेरा सीरियल लगा दे तो तू बैठा रही हो फिर कच के है।